अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसन जामिन, दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरा छोटा सा एक कंसर्न था, वो ये कि या क्या शोबिज़ स्टार सारे दूध की धुले हुए हैं? क्या शोबिज़ स्टार सारे के सारे अच्छे हो गए हैं और फिरोज़ खान जो है सबसे ज़्यादा गंदा तरीन हो गया है, जो कि कुछ अर्सा पहले तो एक शोबिज़ का आइकॉन कहलाने वाला बंदा और अभी भी ये ऑब्वियसली है, उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, काम कर रहा है। फिरोज़ खान के हवाले से यार काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब इतना कह दिया है कि वो मतलब इतना उसको बना दिया है, इतना गिरा दिया है कि वो एक इंतहाई गंदा पर्सन हो गया। सवाल ये पता होता है, ख़ास तौर पर हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में क्या सारे शोबिज स्टार जो है वो फरिश्ता हो गए हैं या सारे पाकिज़ा हो गए हैं? स्पेशली ख़ास तौर पर हमारी एक्ट्रेस साहिबा जो है इस वक्त उनको डिफेंड करने के लिए पूरी पब्लिक एक एक साइड पर हो गई है। फिरोज़ खान को बड़ा ही गंदा तरीन समझा जा रहा है, उसके गलत जो चीज़ें उसकी तरफ से जो हुई हैं उसको गलत समझा जा रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं कंडक्ट करता हूँ और मैं बिल्कुल मुखालफत करता हूँ उस चीज़ की, और उस बिल्कुल चीज़ की कि आप किसी की भी प्राइवेसी आप लीक करते हैं या किसी भी प्राइवेसी की बात किसी भी तरह का बंदा हो, किस टाइप का भी बंदा हो, उसकी प्राइवेसी आपको लीक करने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि सॉरी, आपको पता होना चाहिए कि यार अगर उसने ऐसी चीज़ की है तो उस पर क्लैरिटी लेना आपका राइट है। आप उससे पूछें, आप उससे बोलें, उससे पूछें कि क्यों किया उसने, या फिर उसके हो सकता है मोबाइल किसी और ने यूज़ किया हो या फिर किसी और ने यूज़ करते हुए किसी को उसके नंबर्स को उसके मोबाइल को मिसयूज़ किया हो, कुछ भी हो सकता है। आप तस्दीक किए बगैर किसी भी चीज़ पे एक्शन नहीं ले सकते, उसका राइट भी है। सो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जैसे कि मैं स्टैंड आउट करता हूँ फिरोज़ खान के साथ, आप भी फिरोज़ खान के साथ स्टैंड करें। हमारा आइकॉन स्टार है, शोबिज़ स्टार है, हमारा आइकॉन स्टार। हाँ, अगर ये उसने किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई गलत एक्ट है, इंतहाई गलत काम है अगर किसी की प्राइवेसी उसने लीक की है। लेकिन अगर उसने नहीं किया ऐसा तो उसको क्लैरिटी लेना और कि उसको क्लैरिटी देना उसका और उसको जस्टिफाई करना उसका राइट है, उससे पूछना चाहिए। देखिए, आप जहाँ तक चीज़ों को समझते हैं वहाँ तक आप बताते हैं, उससे आगे भी कोई ना कोई 1% तो जस्टिफिकेशन होगी ना उसके पास। तो पॉइंट इज़ दैट के सारे के सारे दूध के धुले हुए नहीं है शोबिज़ स्टार, और हाँ ख़ास तौर पर हमारी जो एक्ट्रेस साहिबान हैं, जो कि मैं नहीं कहना चाहता यार, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जो ना शोबिज़ पे चल रही हैं, और हमारे साहब का जो आदिल साहब हैं फौज में थे माशाल्लाह, तो कैप्टन साहब का कैप्टन है वो, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया, मैं उस पर कहना नहीं चाहता। मेरा फोकस नहीं है, और मेरा ऑब्वियसली इस तरह का फोकस नहीं है व्लॉग्स के ऊपर। मेरा एक टॉपिक को जो ना एक अच्छे से पेश करना आपकी तरफ, और एक कंटेंट, एक हेल्दी कंटेंट देना मेरा मकसद है। सो यू गाइस, के आप लोग क्या सोचते हैं, आप भी अपना राय कमेंट्स करें मेरे इस वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट्स पे कमेंट करें आप, और कमेंट करें कि आप किसके साथ हैं, आप क्या समझते हैं कि फिरोज़ खान क्या सही है या फिरोज़ खान का साथ देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।